हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश ग्रामर प्लस वोकैब की, जिसमें आज हमारा सेशन है 6। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिज बेनिवलेंस एंड काइंडनेस आर एडमायर्ड बाई हिज फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हिज बेनिवलेंस मतलब कि दयालुता है ना, व्यवहारता, या फिर काइंडनेस दयालुता, ये दोनों ही क्या हैं, दोनों ही आपके हैं नाउन। क्या है फ्रेंड? नाउन। क्योंकि ई एन सी ई लगने से, एन ई डब्ल एस लगने से दोनों से क्या बन जाता है, वो नाउन बन जाता है। ओके, तो जब भी दो नाउन को कोई कंजंक्शन जोड़ रहा हो और उसके पहले, एक नाउन के पहले कोई हमारा डिटर्मिनर लग जाए, ओके, या फिर उसे आप आर्टिकल से बोल सकते हैं, एक के पहले अगर लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक लोग की ही बात की जा रही है। ओके, तो जब एक लोग की बात कही जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है, वर्ब आपकी कैसी लगेगी, प्लूरल। जब एक लोग की बात विशेषता बताई जा रही है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, देखिए, हिज बेनेवलेंस एंड काइंडनेस आर एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पे वर्ब कैसी लगेगी आपकी, सिंगुलर। यहाँ पे आर की जगह क्या लग जाएगा, ईच, क्योंकि फिर ही मिला के क्या बन जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। ओके, जब सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ कैसी वर्ब लगेगी, सिंगुलर लगेगी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, सी नेवर हैज़ एंड नेवर विल अलाउ हर ओनली सन टू ज्वाइन आर्मी। अब यहाँ पे देखिए, सी नेवर हैज़ एंड नेवर विल है ना, अलाउ हर ओनली सन टू ज्वाइन आर्मी। ओके, यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि सी नेवर हैज एंड नेवर विल अलाउ। ओके, तो यहाँ पे बार बार नेवर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना तो उसको डिनाई किया जा रहा है, ना तो उसको अलाउ किया जा रहा है, सी नेवर हैज है ना, ना तो उसको रखा जा रहा है, ना तो इसको अलाउ किया जा रहा है। ठीक है, तो बार बार नेवर लगाने से अच्छा है, एक लोग की बात हो रही है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सिर्फ एक नेवर यूज़ करेंगे। ओके, फिर अलाउ ओनली सन टू ज्वाइन आर्मी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को, थ्री पार्ट्स ऑफ द लेसन आर येट टू बी कंप्लीटेड। थ्री पार्ट्स ऑफ द लेसन आर येट टू बी कंप्लीटेड। अब इसमें क्या है, थ्री पार्ट्स ऑफ, जब भी मैंने बताया था कॉर्डिनल नंबर्स लग जाए तो हमारा सब्जेक्ट कैसा बन जाता है, कॉर्डिनल नंबर यहाँ पे क्या है, थ्री। जब भी ऐसे इस टाइप के कॉर्डिनल नंबर लग जाए तो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है सिंगुलर। क्या बन जाता है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी लगनी चाहिए, सिंगुलर। ओके, तो थ्री पार्ट्स ऑफ द लेसन, यहाँ पे आर की जगह क्या लग जाएगा, इज येट टू बी कंप्लीटेड। थ्री पार्ट्स ऑफ द लेसन इज येट टू बी कंप्लीटेड। ओके, चलिए देख लें नेक्स्ट, देखिए, इंटेलिजेंस एज वेल एज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ द बुक। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, दो जो एक कंजंक्शन है उसको, दो मतलब दो नाउन को एक कंजंक्शन क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, दो, एक ये सब्जेक्ट है हमारा, एक दूसरा ये सब्जेक्ट है। इंटेलिजेंस एज वेल एज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ द बुक। अब देखिए, जब भी दो कंजेंशन मतलब कि दो सब्जेक्ट अगर एक सेंटेंस में आ रहे हैं, उसको कोई कंजेंशन ऐड कर रहा है, तो उसमें पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। तो इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, इज लगेगी। क्या लगेगी फ्रेंड, इज। ओके, सो आप यहाँ पे आपके क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को, ट्वेंटी ऑफिसर्स हैव बीन
dismiss and 30 left on their own. Okay, देखिए यहाँ पे क्या है, 20 officers. अब यहाँ पे भी क्या आ गया, cardinal number आ गया ना 20, है ना, 20 officers. तो जब cardinal number आ जाता है तो subject हमारा कैसा बन जाता है, singular subject बन जाता है. कैसा सिंगलर सब्जेक्ट बन जाता है, तो उसके साथ लगने वाली वर्ब भी कैसी लगती है, सिंगलर लगती है. ओके, तो यहाँ पे जो हैव लगा है ये हमारा प्लूरल वर्ब है, तो इसके पहले हम क्या लगा देंगे, इसको रिमूव करके हैज लगा देंगे. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 ऑफिसर्स हैज बीन डिसमिस्ड एंड 30. ओके ओके, तो यहाँ पे हैज यूज करेंगे. ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को. एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ सिंग्स अबाउट द ब्लेसिंग ऑफ द नेचर. अब देखिए यहाँ पे क्या बात कही गई है, एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक लाइन की बात कही गई है, मतलब अलग अलग चीज़ों की बात कही गई है. ठीक है, एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन. अगर यहाँ पे ऐसे होता एवरी वर्ड एंड लाइन, तो यहाँ पर ये बात हो जाती कि एक लाइन में जितने वर्ड हैं उनकी बात कही जा रही है, मतलब एक सब्जेक्ट बन जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट बन रहे हैं. ओके, क्या बन रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट बन रहे हैं, एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन. तो जब दो अलग अलग सब्जेक्ट बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात ये सब्जेक्ट कैसा बन गया, प्लूरल. प्लूरल हमारा सब्जेक्ट बन गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल. तो यहाँ पे देखिए, एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, यहाँ पे क्या है, सिंग्स लिखा. सिंग्स हमारा जब भी कोई वर्ब फॉर्म होती है उसमें यस या यस लगना जाने से वो क्या बन जाती है, सिंगलर. तो यहाँ पे सिंगलर वर्ब ना लगा करके हमको क्या लगाना है, प्लूरल. तो यहाँ पे यस को हटा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल वर्ब. ओके, तो क्या हो जाएगा, एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द पोएम्स एंड ऑफ वर्ड्सवर्थ सिंग अबाउट द ब्लेसिंग ऑफ नेचर. ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को. रिचेस एंड नॉट कैरेक्टर bring you respect these days. Riches and not character. अब यहाँ पे riches and not character, यहाँ पे देखा जाए तो ये एक ही लोग की बात कही जा रही है. ठीक है, riches and not character, एक ही लोग मतलब कि अमीर लोगों की बात कही जा रही है, उनका कोई character नहीं होता. brings you respect these days. ओके, तो यहाँ पे जो ब्रिंग है ये कैसा है, प्लूरल, क्योंकि जब भी कोई बेस फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, तो उसमें यस या यस लगाने से वो क्या बन जाता है, सिंगलर. तो ये हमारा क्या है, जब सिंगलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या लगनी चाहिए, सिंगलर वर्ब लगनी चाहिए. ओके, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यस ब्रिंग्स हो जाएगा. ओके, तब ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा. चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को. द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पैसेज इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे देखिए क्या है, द सम एंड सब्सटेंस, देखिए मतलब कि जोड़ और घटाने की बात कही जा रही है. एक पैसेज में ये बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग है ना, ये मैं हमारे समझ के परे होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सम एंड सब्सटेंस है, इसके पहले देखा जाए तो एक हमारे नाउन के पहले क्या लगा हुआ है, एक हमारे नाउन के पहले हमारे क्या लगा हुआ है, ये हमारा डिटर्मिनल लगा हुआ. अगर ये दोनों के पहले लगा, जैसे द सम एंड द सब्सटेंस होता, तो ये अलग अलग चीज़ों की बात करता, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ों की बात कही जाए, द सम एंड सब्सटेंस, तो ये हमारा कैसे सब्जेक्ट बन गया, सिंगलर बन गया. जब सिंगलर सब्जेक्ट बन गया तो वर्ब भी कैसे लगेगी, सिंगलर वर्ब लगेगी. ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पैसेज इज, यहाँ पे कैसी वर्ब लगी, सिंगलर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो ये देखा जाए तो पूरा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. जो वर्ब लगनी चाहिए वर्ब भी लगा है, जहाँ पे डिटर्मिनल लगना चाहिए वहाँ पे डिटर्मिनल लगा है. ओके, तो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भी अच्छी लगी, मतलब कि करेक्ट लगी हुई है. ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को. देखिए, नन बट दोज विद ऑनेस्ट रिकॉर्ड नीड्स टू कम टू मी फॉर हेल्प. ओके, नन बट दोज विद ऑनेस्ट रिकॉर्ड नीड्स. अब देखिए क्या है, नन बट, जब भी नन की बात कही जाती है तो नन कितने लोगों के लिए यूज होता है, हमेशा दो से ज़्यादा लोगों के लिए. क्या होता है, दो से
ज़्यादा लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो नन बट कितने लोगों के, दो से ज़्यादा लोगों के लिए। तो नन बट दोज विद ऑनेस्ट रिकॉर्ड, ओके। तो नन बट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, ये क्या हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट बन गया इसके अकॉर्डिंग। तो हमारा सब वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। तो यहाँ भी देखा जाए यस लगे तो ये हमारा सिंगुलर, इसको हम प्लूरल बनाने की यस हटा देंगे तो हमारा बन जाएगा प्लूरल, ओके। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। आई होप फ्रेंड्स जितने भी आपके ग्रामर के रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नो सूनर ही वॉज ब्रॉट हियर देन ही बिगेन टू फील अनइजी, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नो सूनर, देखिए जब भी नो सूनर से है ना, नो सूनर से स्टार्ट हो अगर कोई सेंटेंस तो वो हमेशा क्या लेके आता है, वो हमेशा इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाता है पूरा सेंटेंस। तो इसका मतलब क्या है, नो सूनर ही वॉज, तो इसका मतलब ये है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज होगा तो जो वॉज है हेल्पिंग वर्ब ये आ जाएगी नो सूनर के बाद। नो सूनर वॉज ही ब्रॉट हियर देन ही बिगेन टू फील अनइजी, ओके। इस तरीके हमारा सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा, ओके। चाहे यहाँ पे नो सूनर आ जाए, जैसे कोई भी यहाँ पे जो कंजंक्शन का काम करे स्टार्टिंग में अगर वो आ जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है, सेंटेंस बिल्कुल इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाता है, मतलब उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब हमको लगाना होता है, ओके। बात क्लियर हुई ना, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका बन जाता है रूल्स। चलिए देखते हैं जैसे क्या है, नॉट ओनली विल ही गो देयर बट आल्सो ही विल स्टे। देखिए अब यहाँ पे क्या है, नॉट ओनली से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे विल लगा है, ये करेक्ट है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। नॉट ओनली, अब देखिए जब भी दो, जैसे ये क्या है नॉट ओनली है ना, और इधर क्या है नॉट ओनली है, और इधर क्या है बट आल्सो। तो ये भी देख लीजिए, अगर नॉट ओनली के बाद कोई नाउन है तो इधर भी क्या होगी, उसके बाद तुरंत नाउन आएगा। अगर इसके बाद कोई वर्ब है तो इधर भी क्या होगा, इसके बाद वर्ब आएगी, ओके। इसके बाद कोई सब्जेक्ट तो इसके बाद भी सब्जेक्ट आएगा। बात क्लियर हो गई नहीं, तो देखिए नॉट ओनली के बाद क्या है वर्ब, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे देखिए बट आल्सो के बाद क्या है सब्जेक्ट, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो हमको क्या लिखना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे विल लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद ही, फिर उसके बाद स्टे, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम ही को पहले लिखेंगे फिर उसके बाद विल को पहले फिर उसके बाद ही को, तब इसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए ही लाइक द अदर मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली वर लेफ्ट शेल्टरलेस एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लड इन द टाउन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ही लाइक द अदर मेम्बर्स, ही को कंजेशन क्या जोड़ रहा है लाइक, क्या जोड़ रहा है यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज करके क्या हो रहा है लाइक हमारा कंजेंशन के रूप में, ओके। द अदर मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली, ये एक हमारा सब्जेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट बन के एक हमारा ये, ठीक है। तो जब भी कोई कंजेंशन मतलब कोई पहले वाले सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट तो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं वर्ब फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो ही हमारा क्या है, ही हमारा है सिंगुलर नाउन, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब भी कैसे लगनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए। देखिए ही लाइक द अदर मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली, यहाँ पे क्या लिखा हुआ वर्ब, वर्ब हमारा क्या है प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे वाज, वाज हमारा क्या है सिंगुलर है, तो ये हमारा करेक्ट बन जाएगा। तो क्या लगेगा यहाँ पे फ्रेंड, वाज लगेगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। इन ओल्ड एज नाइदर ऑफ हिज टू सन्स आर प्रिपेयर्ड टू कम टू हिज हेल्प। इन ओल्ड एज नाइदर ऑफ हिज टू सन्स आर प्रिपेयर्ड टू कम टू हिज हेल्प। अब यहाँ पे क्या है, इन ओल्ड एज मतलब बहुत पुराने दिनों में क्या होता था, नाइदर ऑफ हिज टू सन्स
ना तो दो बच्चे क्या करते थे, प्रिपेयर टू कम टू हिज हेल्प, मतलब किसी की हेल्प करने के लिए वह प्रिपेयर्ड होते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब नाइदर ऑफ, अगर यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हमेशा क्या हो जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इन ओल्ड यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के रूप में नाइदर ऑफ आया है, ये बन गया सिंगुलर। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसे लगेगी, सिंगुलर, क्या लगेगी, सिंगुलर। तो ये वर्ब कैसी है, प्लूरल, तो इसकी जगह में क्या लग जाएगा, एस। ओके, सिंगुलर ये बन जाएगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे किस कौन से मतलब पार्ट में एरर है, तो ये आर में एरर है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए ऐसे क्या, आई डोंट थिंक 10,000 रुपीज आर ए लार्ज सम फॉर द वर्क्स यू आर गोइंग टू अंडरटेक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आई डोंट थिंक मतलब कि मैं नहीं सोचता हूँ 10,000 रुपी। अब यहाँ पे भी क्या आ गया, कॉर्डिनल नंबर आ गया 10,000 रुपी। तो जब भी कॉर्डिनल नंबर आए तो आप समझ लीजिए ये हमेशा सिंगुलर में बनेंगे, क्या बन जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। यहाँ पे क्या है, आर है, तो यहाँ पे आर ना होकर के क्या लग जाएगा, एस, क्या लग जाएगा, एस। आई डोंट थिंक 10,000 रुपीज इज ए लार्ज सम फॉर द वर्क्स यू आर गोइंग टू अंडरटेक। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। इट वर द स्टूडेंट्स हु वांटेड द टीचर टू डिक्लेयर हॉलीडे। वो कह रहा है कि अगर वो स्टूडेंट्स, इफ वर द स्टूडेंट्स है ना, अगर वो स्टूडेंट्स होते तो क्या करते, वो वांटेड द टीचर टू डिक्लेयर हॉलीडे, मतलब टीचरों की क्या कर देते, छुट्टी कर देते। ठीक है, मतलब कि वो चाहते हैं क्या कि टीचर हॉलीडे की छुट्टी डिक्लाइन कर दे, डिक्लेयर कर दे। ओके, तो यहाँ पे जब भी मतलब कि सपोजिशन की कोई बात होती है, ओके, सपोजिशन की कोई बात होती है, इमेजिनेशन की बात होती है, हमेशा उसमें वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। कैसी आती है, प्लूरल आती है, और कौन सी वर्ब हमेशा आती है, कौन सी वर्ब। ओके, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ओके, तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। Everyone of the new nursing homes coming up in the urban areas need a lot of important. अब देखिए यहाँ पे क्या है, एवरी वन ऑफ, मैंने शायद बताया था पिछले सेशन में, एवरी वन ऑफ हो, वन ऑफ हो, एवरीबडी ऑफ हो, ठीक है, जब भी नाइदर ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, इस टाइप से कोई सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो वो बन जाते हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाते हैं तो वर्ब भी कैसी लगती है, सिंगुलर, कैसी लगती है, सिंगुलर। तो देखिए एवरी वन ऑफ द न्यू नर्सिंग होम्स कमिंग अप इन द अर्बन एरियाज, यहाँ पे क्या है, नीड यहाँ पे किस रूप में आया है, नीड आपके वर्ब के रूप में आया है। ओके, तो जब वर्ब के रूप में आता है तो नीड जब कोई मतलब कि वेस फॉर्म में होता है तो कैसा, प्लूरल होता है, तो हमको लगाना कैसा है, सिंगुलर। तो इसमें यस अगर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर, नीड्स बन जाएगा, क्या हो जाएगा, नीड्स ए लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। नेवर आई हैव कम अक्रॉस ए मैन हु इज फूलिश टू सच एन एग्जिस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेवर आई हैव कम अक्रॉस ए मैन, नेवर आया ना, तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। जब भी कंजंक्शन का काम करे तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाता है सेंटेंस, किसमें, इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेवर के बाद क्या आना चाहिए, हैव, नेवर हैव आई कम अक्रॉस ए मैन हु इज फूलिश टू सच एन एक्सीडेंट, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल बन जाता है। ओके, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। During freedom struggle, many a patriot were fired with patriotism and sacrificed everything for the sake of the motherland. अब देखिए यहाँ पे क्या है, during है ना, during freedom struggle, many patriot, many a क्या बन जाता है, plural बन जाता है, तो बिल्कुल सही है, तो verb भी क्या होगी, plural, ये भी सही।
विद पेट्रिज्म आई सेक्रीफाइज एवरीथिंग फॉर द शेक ऑफ द मदर। ये तो सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, इट जब ड्यूरिंग हो तो यहाँ पे क्या आता है पहले सेंटेंस से, इट इट ड्यूरिंग फ्रीडम, मतलब कि स्वतंत्रता के दौरान। उन बहुत लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट। द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन वेरी लार्ज सिंस इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए द नंबर ऑफ, अगर यहीं पे ए नंबर ऑफ हो तो ए नंबर ऑफ आपका क्या बन जाता है, प्लूरल। क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट बन। अगर द नंबर ऑफ हो तो वो कैसे सब्जेक्ट बनता है, सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है। ये आप अच्छे से याद रखेंगे, ए नंबर ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, द नंबर ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, ओके। अगर ए नंबर ऑफ होता प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल। तो यहाँ पे हैव क्या है, प्लूरल, हमको किसमें कन्वर्ट करना, सिंगुलर। तो यहाँ पे हैव की जगह क्या लगा देंगे, हैज, जो कि बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। जस्ट आउटसाइड द विलेज इज ए पंचायत हाउस विद डेडिकेटेड वर्क वर्किंग हियर, ओके। जस्ट आउटसाइड द विलेज इज ए पंचायत हाउस है ना, विद डेडिकेटेड वर्क्स वर्किंग हियर। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट आउटसाइड, मतलब बिल्कुल अभी विलेज से क्या किया गया, बाहर किया गया है पंचायत हाउस है ना, विद डेडिकेटेड वर्क्स वर्किंग हियर। यहाँ पे डेडिकेटेड वर्क्स वर्किंग हियर, ओके। तो यहाँ पे जैसे आया है क्या, जस्ट आउटसाइड द विलेज, ओके। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। आइदर सी और यू इज ए ब्लेम फॉर द मिसमैनेजमेंट ऑफ द डोमेस्टिक अफेयर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आइदर और से सेंटेंस, मतलब कि कंजंक्शन है, ओके। तो जब भी आइदर और आए तो मैंने बताया था, जब भी दो मतलब कि कोऑर्डिनेट वाले कंजंक्शन होते हैं, दो वाले कंजंक्शन होते हैं, ठीक है, तो जो पहले वाले के बाद अगर नाउन है, ठीक है, तो दूसरे वाले के बाद नाउन होगा। अगर पहले वाले के बाद प्रोनाउन है तो दूसरे वाले के बाद भी क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ओके। अगर इधर वर्ब है तो इधर भी वर्ब होगा, इधर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इधर भी हेल्पिंग वर्ब। इस टाइप से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होते हैं। तो देखिए आइदर के बाद क्या है, प्रोनाउन, तो और के बाद भी क्या है, प्रोनाउन, सही है। अब देखिए जब इस टाइप के सेंटेंस हो तो दो सब्जेक्ट है ना, तो इसमें सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, वर्ब फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो आइदर सी, ये तो पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, यू। यू कैसा है, प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, प्लूरल वर्ब लग जाएगी, ओके। तो इच क्या है, सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या लग जाएगी, आर, क्या लग जाएगी, आर। Either she or you are to blame for the mismanagement of the domestic affairs. Okay? बात क्लियर हो गई ना, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। If were the children that caused a lot of problems their parents during long railway journey. कह रहे हैं कि अगर, मतलब कि children क्या होते हैं, अगर वो children होते हैं तो क्या करते हैं, अपने जो railway यात्रा में, वो यात्रा के दौरान जो पेरेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो वो उनका क्या कर देते हैं, केश कर देते हैं, ठीक है, कारण वो क्या कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो ये क्या हमारा सपोजिशनल सेंटेंस है, मतलब इमेजिन वाला है, तो हमेशा क्या लगता है, वर्ब लगती है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। बात क्लियर होगी ना, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द सोल्जर्स अलोंग विद द कमांडर्स वाज कोर्ट मार्टियल्ड फॉर डिफाइंग द ऑर्डर्स ऑफ आर्मी हाई कमांड, ओके। देखिए द सोल्जर्स को कौन जोड़ रहा है, अलोंग विद जोड़ रहा है, ठीक है, अलोंग विद हो गया है ना, इस टाइप से, जैसे कि एंड हो गया, इस टाइप से जो बीच कंजंक्शन को जोड़ते हैं। तो दो सब्जेक्ट होते हैं, एक द सोल्जर, दूसरा क्या है, द कमांडर। तो हमारा इसमें क्या होता है, जब इस टाइप से जोड़ते हैं तो पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, वर्ब फॉर्म लगाते हैं,
ओके, पहला सब्जेक्ट क्या है, द सोल्जर्स, तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगी, सिंगुलर वर्ब, तो ये वाच बिल्कुल करेक्ट है. ओके, तो सेंटेंस पूरा करेक्ट है. ओके, तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 30 क्वेश्चंस, कैसे लगे हैं आपको, आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दिया करें, लाइक जरूर किया करें, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता. ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें. थैंक यू सो मच.